Hello students, in this video lecture we are going to discuss Coulomb's law in terms of position vectors. लेकिन सबसे पहले हमें ट्रायंगल लॉ डिस्कस करना होगा. उसके लिए तो आपने पढ़ा है क्लास 11th में ट्रायंगल लॉ. वेक्टर्स में ट्रायंगल लॉ क्या है? तो व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स देयर रिजल्टेंट. आइए इसको मैं डिस्कस कर देता हूं. सबसे पहले तो वेक्टर में इस पार्ट को कहते हैं हेड और इसको क्या कहते हैं? टेल. राइट, हेड टेल. मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिख दिया है ट्रायंगल लॉ का. ओके, आइए इसके लिए कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर लेते हैं. तो सपोज करते हैं देर आर थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी. राइट, तो देखिए ए के हेड पर बी का टेल है. यहां बी के हेड पर देखो सी का टेल है. ठीक है, और सी के हेड पर ए का टेल है. राइट, तो यहां पर हम देख रहे हैं ऑन द हेड ऑफ ए बी का टेल, ऑन द हेड ऑफ बी सी का टेल, ऑन द हेड ऑफ सी ए का टेल. तो इस केस में हम लोग कहीं से भी स्टार्ट करो वहीं पहुंच जा रहे हैं. ठीक है, इन दिस केस वी कैन से कि हियर ए बी एंड सी आर इन द सेम ऑर्डर. राइट, तो हेड टेल जब भी रिलेशन होगा वो क्या होगा? सेम ऑर्डर होगा. राइट, ओके. इसके बाद चलते हैं अगेन कंसिडर टू वेक्टर्स ए एंड बी. तो देखिए ए के हेड पर बी का टेल है. तो इन दिस केस वी कैन से कि ए और बी क्या है? सेम ऑर्डर में है. वी कैन से कि ए एंड बी आर इन द सेम ऑर्डर. राइट, बट एक थर्ड वेक्टर यदि ड्रॉ करें. राइट, एक थर्ड वेक्टर यदि ड्रॉ करें और ऐसे चलते हैं, यदि ऐसे चलते हैं तो सी सेम ऑर्डर में होगा. ऐसे नहीं चल, ऐसे चलते हैं. राइट, ऐसे चलते हैं तो नाउ सी को क्या कहेंगे? सेम ऑर्डर में नहीं है, अब ये क्या है? सी के अपोजिट ऑर्डर में. ठीक है, तो सी इज इन अपोजिट ऑर्डर. राइट, राइट. तो ए और बी सेम ऑर्डर में है लेकिन सी क्या है? अपोजिट ऑर्डर में. आप इसे पहले नो, आपने ये एग्जांपल क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. ओके, सपोज करते हैं यह एक इनिशियल पॉइंट है और यह एक फाइनल पॉइंट है. राइट, तो हमें इस इनिशियल पोजीशन से इस फाइनल पोजीशन तक जाना है. एंड सपोज कि वी हैव टेकन टू स्टेप्स. राइट, पहले ऐसे गया, फिर क्या हो गया? लेफ्ट मुड़ गया. ठीक है, तो देखिए हमने दो स्टेप लिया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए. दो स्टेप्स लिया और ये दोनों स्टेप्स कैसे हैं? सेम ऑर्डर में. राइट, तो इन दोनों का चलो एक नाम दे देते हैं ए और बी, क्योंकि वेक्टर्स बना रहा है ये दोनों. ठीक है, आप यहां से यहां तक गया आपने एक वेक्टर बनाया, फिर यहां से यहां तक गया आपने एक वेक्टर बनाया. राइट, बट शॉर्टकट क्या होगा? शॉर्टकट क्या होगा? तो आपने तो दो स्टेप लिया, ये हो गया शॉर्टकट डायरेक्ट. राइट, तो ये जो डायरेक्ट जो है इस केस में क्या हो रहा है? देखिए ए और बी सेम ऑर्डर में है, इस डायरेक्ट को आर कह देते हैं. आर यानी रिजल्टेंट,
यहां पर रिजल्टेंट क्या है, सेम ऑर्डर में नहीं है, रिजल्टेंट क्या है, अपोजिट ऑर्डर में है, राइट। तो ए और बी सेम ऑर्डर में होगा तो रिजल्ट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉजिकली आर इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। तो मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका है। चलो देखते हैं, सपोज कि देर आर टू फैक्टर्स ए एंड बी, ओके, एग्जाम्पल्स देख रहे हैं ए एंड बी, तो दिस टू फैक्टर्स ए एंड बी आर इन सेम ऑर्डर। तो देखिए हमने स्टेटमेंट में क्या पढ़ा है, ट्रेंगल लॉ के स्टेटमेंट में, व्हेन टू फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देख टेकन इन सेम ऑर्डर, किसी ट्रेंगल के दो साइड को बता रहा है, टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड, देन द थर्ड साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखिए यह तीसरा साइड हो गया और किस में हो गया, अपोजिट ऑर्डर में। यह क्या बताएगा, रिजल्ट को बताएगा। मैं इसे अलग से बनाकर आपको दिखा दे रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट्स ज्यादा क्लियर रहे। एक ही डायग्राम में बहुत कुछ होगा, ज्यादा रायता फैल जाएगा, देखते हैं। तो व्हेन टू फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन द थर्ड साइड, देख दो साइड है, तीसरा साइड हमें ड्रॉ करना है, तो तीसरा साइड यानी क्या शॉर्टकट आपको ड्रॉ करना है, और टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है, शॉर्टकट ड्रॉ करना है किसमें, सेम में नहीं अपोजिट में, वही क्या बताएगा, रिजल्ट को बताएगा ए प्लस बी। अगेन एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करते हैं ना ये एल एम, ठीक है, देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होगा, बस हमें शॉर्टकट ड्रॉ करना है, जब ये दोनों सेम ऑर्डर में है तो रिजल्ट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा सर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसे आप खूब अच्छे से समझ लीजिए। तो रिजल्टेंट यानी आपको बस दो साइड दिया हुआ है, तीसरा साइड कंप्लीट करना है, इसीलिए तो ये ट्रेंगल लॉ है, और नॉट इन द सेम ऑर्डर, अपोजिट ऑर्डर में, तभी तो रिजल्ट मिलेगा शॉर्टकट, तो आर इक्वल टू एल प्लस एम। तो ट्रेंगल लॉ क्या है, व्हेन टू फैक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रेंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देखिए सेम ऑर्डर में जब दो साइड्स होंगे, देन द थर्ड साइड, तीसरा साइड, ये तीसरा साइड, आपको ड्रॉ करना है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स देयर रिजल्टेंट। ऐसे भी इस एग्जाम्पल में इनिशियल टू फाइनल पहुंचना है, आपने दो स्टेप लिया, ये दोनों स्टेप क्या थे, सेम ऑर्डर में थे, बट शॉर्टकट यानी रिजल्ट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम समझने जा रहे हैं यूनिट फैक्टर के बारे में, ये भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है। यूनिट वेक्टर क्या होती है, तो इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ क्या होती है, वन होती है, यूनिट ले जाते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। ओके, तो सपोज कि एक वेक्टर हमारे पास है ए, ओके, तो इसका वन यूनिट लेंथ में एक वेक्टर बनाते हैं, ठीक है, देखिए इसकी लेंथ क्या है, वन, ठीक है, और यूनिट वेक्टर को कैसे इंडिकेट करेंगे, वेक्टर ए के यूनिट वेक्टर को ए कैप से इंडिकेट करेंगे, राइट। तो वेक्टर ए के लिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो मॉडुलस ऑफ ए, एंड डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, डायरेक्शन, तो यह होगा ए कैप, राइट, क्योंकि जो वेक्टर ए का डायरेक्शन वही ए कैप का भी डायरेक्शन है, यदि हम ए कैप का डायरेक्शन जान रहे हैं यानी ए का डायरेक्शन जान रहे हैं, राइट। तो फिर से समझो यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो किसी वेक्टर का, इट इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, जिसकी लेंथ वन होती है, यहां से यहां तक लेंथ क्या है,
वन है, राइट। तो जिस वेक्टर की लेंथ वन होगी तो वो यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ठीक है। और यूनिट वेक्टर का काम क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो यह क्या बताता है, किसी वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में बताता है, राइट। तो ए का यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे ए कैप से, इसी तरह बी के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे बी कैप से। तो ध्यान दीजिए, बी का मैग्नीट्यूड क्या लिखेंगे बच्चे, मॉडुलस ऑफ बी, और डायरेक्शन क्या लिखेंगे, बी कैप। इसी तरह वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ सी, और डायरेक्शन क्या होगा, सी कैप होगा। तो चलो देखो यहां पर क्या बन गया, यदि हम लिखते हैं मॉडुलस ऑफ ए और ए कैप, तो यह तो मैग्नीट्यूड हो गया, किसी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया, और यह क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों मिलकर यह क्या हो गया, कंप्लीट वेक्टर ए हो गया। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, मॉडुलस ऑफ ए, और डायरेक्शन क्या है, ए कैप है। तो इस तरह से ए कैप का फॉर्मूला क्या हो गया, ए ओवर मॉडुलस ऑफ ए, राइट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि बी कैप का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर बी बाई मॉडुलस ऑफ बी। सी कैप का फॉर्मूला क्या होगा, सी बाई मॉडुलस ऑफ सी। तो देखो मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि व्हेन ए वेक्टर इज डिवाइडेड बाय इट्स मॉडुलस, तो देन हमें जो मिलेगा वो क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा, ठीक है। तो ठीक इसी तरह आर कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर आर बाई मॉडुलस ऑफ आर, राइट। तो ये सभी हो सकते हैं, ओके। तो अब हम पोजिशन वेक्टर के बारे में जानेंगे। पोजिशन वेक्टर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो यह पोजिशन बताएगा किसी भी पॉइंट का विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओके। इट गिव्स द लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन या विथ रेस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, या किसी पॉइंट का लोकेशन बताता है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। तो सपोज करते हैं यहां पर एक पॉइंट P है, राइट, और यह x एक्सिस y एक्सिस हो गया, यह ओरिजिन है। इस P का हमें पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करना है। अरे बहुत आसान है, बस ओरिजिन से इस P को O से P को मिला दो, यही हो गया क्या, पोजिशन वेक्टर हो गया, राइट। और यदि इस P का कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स वाई, सपोज करते हैं P का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, तो इस R का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, राइट। तो कोऑर्डिनेट के आधार पे हम बता सकते हैं, ओके। फिर से देखते हैं, तो सपोज करते हैं एक्स वाई हो गया, और यह हो गया किसी पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर, ठीक है। किसी भी पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, ओरिजिन से उस पॉइंट को मिला देते हैं। सपोज करते हैं इसका कोऑर्डिनेट कितना था, 2, 3, तो ऑब्वियसली आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, बहुत ही आसान है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बस कोऑर्डिनेट्स के टर्म में हम लिख सकते हैं, राइट। तो पोजिशन वेक्टर हमें लिखना है कैसे, कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, ओके, तो आई कैप जे कैप के टर्म में हम उसे लिख सकते हैं, ओके। तो पोजिशन वेक्टर का काम है पोजिशन बताना, इसे नोट करें, ओके। तो अब फाइनली है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। तो सपोज यहां दिया हुआ है हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ओरिजिन हो गया जी, एंड सपोज कि यहां पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहां पर है, यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट बी है, राइट। तो पॉइंट
ए का पोजिशन वेक्टर क्या होगा? अच्छा, ये दोनों पॉइंट है तो इन दोनों का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा, सपोज एक्स वन वाई वन, और इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स टू वाई टू। तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा? एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। इसका पोजिशन वेक्टर क्या होगा? एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप। एक काम करते हैं, ए का पोजिशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम द ऑरिजिन, हमने ड्रॉ किया आर वन मान लेते हैं, एंड आर टू इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। आर वन इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, आर टू इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और दोनों क्या विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन। सपोज करते हैं कि कोई पार्टिकल ए से बी तक गया है, राइट? कोई पार्टिकल जो है ए से बी तक मूव करते हुए गया है, ठीक है, यहां तक गया है, ठीक है, किसी टाइम पर उसकी लोकेशन ए पर थी, फिर क्या हो गया बी पर। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ये सीधे ऐसे ड्रॉ करेंगे। फिलहाल के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं आर वन की वैल्यू। तो आर वन कितना होगा सर? आर वन होगा, देखो, एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। आर टू क्या होगा? तो ये होगा एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप होगा। ओके, तो आइए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। सपोज करते हैं कैसे भी गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो डायरेक्ट हम लोग लेते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसे सपोज करते हैं डी मान लेते हैं, डी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हमें इस डी का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना? तो देखिए, डी को हम लोग क्या कर सकते हैं? देखो, आर वन क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ ए। आर टू क्या है? पोजिशन वेक्टर ऑफ बी। तो हम लोग देख रहे हैं ए से बी तक गया है जब पार्टिकल, तो देखो पोजिशन वेक्टर चेंज हो गया, पहले आर वन था अब आर टू हो गया। ओके, तो डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यूजिंग यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ हेक्टर्स एडिशन से क्या होगा? देखो, ट्रायंगल लॉ में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। तो देखो, ओ ए और ए बी क्या है? सेम ऑर्डर में है, क्योंकि देखो ना, आर वन के हेड पर डी का टेल है। आर वन वेक्टर आर वन के हेड पर वेक्टर डी का टेल है, और यह क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया। नहीं, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यहां हमें ट्रेंगल लॉ अप्लाई करना है। तो ट्रेंगल लॉ से क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, राइट? क्या लिखेंगे? ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी। देखो, ये दोनों फैक्टर सेम ऑर्डर में, तो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, राइट? तो ओ ए क्या है? ओ ए तो है वेक्टर आर वन। ओ ए क्या है? वेक्टर आर वन। ए बी क्या है? वेक्टर डी। ओ बी क्या है जी? तो ओ बी क्या है? वेक्टर आर टू। इट मींस वेक्टर डी का फॉर्मूला क्या हो गया? तो आर टू माइनस आर वन, राइट? तो ठीक तो है, इनिशियल पोजिशन आर वन था, फाइनल पोजिशन आर टू है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देना है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है? आपने ये पढ़ा था पहले, फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, तो डी इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है? आर टू माइनस आर वन। आर टू की वैल्यू रख दीजिए यहां, तो कितना होगा? देखिए, एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई वन जे कैप। इसको सॉल्व करके लिख दो, तो एक्स टू वाई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप। तो देखिए, इन दोनों में से आई कैप को कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो गया? एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, ठीक है ना? आप इसे नोट करें।
डिस्कशंस तो बहुत हुआ, कंक्लूजन क्या निकला उस डिस्कशन का देखते हैं। सपोज कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, ठीक है, तो ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम ए टू बी, राइट, एक पार्टिकल मूव करते हुए गया, तो दिस इज, दिस डी इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सपोज करते हैं ए से बी तक गए हैं, ठीक है ना, एंड यहां से ऐसे मिला है ऑरिजिन से, तो ये आर वन इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, आर टू इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, डी इज द डिस्प्लेसमेंट। तो हमने क्या सीखा, वेक्टर डी का फॉर्मूला क्या हो जा रहा है, वेक्टर डी का फॉर्मूला हो जा रहा है तो डी इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, फाइनल पोजिशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजिशन वेक्टर। ये तो मैंने डिस्कस कराया ट्रायंगल लॉ के अनुसार, ओके। उसके बाद हमने क्या देखा कि पोजिशन वेक्टर के टर्म में हम लोग देख सकते हैं, ये आपको एकदम ट्रिक आपको याद रखनी होगी, राइट, यह डी है और पोजिशन वेक्टर का यह टेल हो गया और यह हेड हो गया। इसका कोऑर्डिनेट हमने कितना देखा था, x1 y1, और यहां पर इसका कोऑर्डिनेट x2 y2, तो बहुत आसान है। तो वेक्टर d का तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x2 minus x1 i cap plus y2 minus y1 j cap, ठीक है ना। तो ये तो a से b तक आने में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर, और यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला देख रहे हैं, राइट। तो बहुत ही आसान है, x2 minus x1 i cap, y2 minus y1 j cap। चलो एक एग्जांपल से इसको कंप्लीट करते हैं। सपोज करते हैं कि यह जो है कितना है, 4 4 3 है, हेड का कोऑर्डिनेट कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है सपोज करते हैं, और यहां क्या है 2 1, ठीक है, टेल का कोऑर्डिनेट 2 1 दिया हुआ है, हेड का कोऑर्डिनेट 4 3 दिया हुआ है। चलो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी का फॉर्मूला लिखते हैं, डी का वैल्यू क्या होगा, तो 4 माइनस 2 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप, तो क्या आ गया 2 i cap plus 2 j cap, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओके। और आपको पता होगा इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, वेक्टर्स में आपने पढ़ा है, इस डी के लिए डी का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं, डी का मैग्नीट्यूड, चलो मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, तो आई कैप और जे कैप के साथ जो है उसका क्या कर देते हैं स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यह कितना हो गया 4 प्लस 4 8 रूट 8, यानी 2 रूट 2 यूनिट, यह क्या हो गया मैग्नीट्यूड हो गया, ओके, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। और यदि डायरेक्शन निकालना चाहें यानी यूनिट वेक्टर, तो डी कैप इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर डी बाई मॉडुलस ऑफ डी, तो कितना हो जाएगा सर, वेक्टर डी का फॉर्मूला तो हो गया 2 i cap plus 2 j cap, और मॉडुलस ऑफ डी कितना आया है 2 root 2, ओके। तो यहां देखो 2 को कॉमन लेकर हम कैंसिल कर सकते हैं, तो i cap plus j cap over root 2, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना, ओके स्टूडेंट्स, तो इतना सब आपका कॉन्सेप्ट्स काम में आएगा।